अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज मैं आप लोगों के साथ दही बल्ले की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि बहुत ही आसान सी रेसिपी है और हर कोई इसको आसानी से घर पे बना सकते हैं। दही बल्ले बनाने के लिए हम 200 ग्राम माश की दाल लेंगे और 200 ग्राम मूंग की दाल लेंगे। दोनों दालों को हमने पूरी रात भिगो के रख दिए हैं और 3-4 बार धोने के बाद अब हम इसको ब्लेंडर में डाल के अच्छे से ब्लेंड कर देंगे। यहाँ हमने बहुत थोड़ा सा पानी भी डाल दिया है ताकि ब्लेंडर हमारा ख़राब ना हो जाए। और यह आप लोग देख सकते हैं कि दालों को हमने अच्छे से पीस दिया है, इससे ज़्यादा पतला या गाढ़ा नहीं होना चाहिए। अब हम इसको एक दूसरे बाउल में शिफ्ट कर लेते हैं। अब हम हाथ की मदद से इसको 5 मिनट के लिए बीटते रहेंगे ताकि ये अच्छे से फ्लफी हो जाए। जितना ज़्यादा ये मिक्सचर हमारा फ्लफी होगा तभी भले हमारे सॉफ्ट और फूले हुए बनेंगे। अब ये मिक्सचर हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा सी अजवाइन, थोड़ा सा ज़ीरा और थोड़ा सा नमक डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। ऑयल को हमने पहले से ही गर्म कर दिया है। एक ही साइज़ के बल्ले बनाने के लिए हम ये कप लेंगे। अगर आप लोगों के पास ये कप ना हो तो आप गहरा सा स्पून भी ले सकते हैं। अब इसको अच्छे से फ्राई कर देंगे। बल्लों का साइज़ आप लोग अपने हिसाब से रखिएगा, बाज़ लोग बड़े साइज़ के पसंद करते हैं और बाज़ लोग छोटे साइज़ के। ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, मीडियम गर्म होना चाहिए और हल्की आंच पे ही इसको पकाना है ताकि अंदर तक अच्छे से पक जाए। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि बल्ले हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं और लुक चेक करें कितने अच्छे से ये फूल गए हैं। जब ये अच्छे से ठंडे हो जाए तो फिर हम इसके दही बल्ले बनाएंगे। तो इसके बनाने का तरीका ये है कि एक बाउल में पानी लेके इसमें ये बल्ले डाल देंगे। जब ये अच्छे से पानी जज़ब कर दे तो फिर इसको हल्का सा प्रेस कर देंगे ताकि इसके अंदर जितना भी पानी है वो अच्छे से स्क्वीज हो जाए। यहाँ मैंने आधे बल्ले लिए हैं और आधे मैंने रख दिए हैं। अगर आप लोग चाहें तो इसको ज़िपलॉक बैग में डाल के फ्रीज़र में स्टोर भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ ये बात याद रखिए कि फ्रीज़र से निकालने के बाद आप इसके डायरेक्ट दही बल्ले बनाएंगे, मतलब पानी में नहीं रखना है। यह हमने दल्लों को डिश में अच्छे से सजा दिया है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा दही डाल देंगे। दही को भी पहले अच्छे से फेंट लिए, बहुत ज़्यादा गाढ़ा दही नहीं डालिए। दही डालने के बाद हमने धनिया पुदीने की चटनी और इमली की चटनी डाल दी है। आप लोगों को जो भी चटनियाँ पसंद है आप वो डालिएगा। तो कैसी लगी आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।